मार्केट्स। और नो डाउट उनका जो प्रोडक्ट मिक्स है, पहले हम जानते थे प्रीडोमिनेंटली जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज है वहां से अच्छे मार्जिन्स और अच्छे उनके जो टॉप लाइन ग्रोथ आती थी, अभी उन्होंने काफी सारी सर्विसेज ऐड की है। सो सर्विसेज साइड ऑफ रेवेन्यू में ऐसा कोई बड़ा डेंट नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे जैसे ये कंपनीज क्लाइंट से बात करते आगे के बजट के लिए, आगे के पाइपलाइन के लिए, तब उनको पता चलता है कि क्या मैक्रो चैलेंजेस आ रही है, एंड दैट इज वॉट रियलिस्टिकली दे आर गाइडिंग टू द मार्केट। तो जो रेवेन्यू गाइडेंस दी है उसके लोअर एंड पे वो लोग हिट करेंगे। डिस्पाइट दैट हम जानते हैं कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज इज वन ऑफ द सुपीरियर प्लेस इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन कॉल, बिकॉज आज की तारीख में ये करीबन 17 टाइम फॉरवर्ड पे कोट हो रहा है, तो आई थिंक वैल्यूएशन कंफर्ट है। तो मेरा ऐसा मानना है डिस्पाइट दिस कॉमेंट्री डाउनसाइड लिमिटेड रहेगी, लेकिन आगे जाते उनकी जो सैस की पाइपलाइन है, जहां पे ऑलमोस्ट $1 बिलियन की पाइपलाइन उन्होंने बिठाई है, आईपी प्रोडक्ट्स है उसके अंदर भी हमने देखा है कि काफी अच्छा ट्रैक्शन उन्होंने प्रोड्यूस किया है। ये इनऑर्गेनिक एक्विजिशन 1-2 साल पहले हुए थे जो अभी मटलाइज होंगे, तो मे बी 6 to 8 months कुड बी चैलेंजिंग, लेकिन आगे जाते आई थिंक एचसीएल इज इन अ वेरी गुड ओके okay. पोजीशन कि वापस ये रेवेन्यू ग्रोथ टू इन द बैंड ऑफ 14 to 16% लाए और उनके मार्जिन्स भी इंप्रूव हो। तो वैल्यूएशन कंफर्ट के लिहाज से कोई भी डाउनसाइड यहाँ पे आती है, तो आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी एचसीएल टेक्नोलॉजी। ठीक बात, तो गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढे जा सकते हैं क्विकली। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हाईलाइट कर देता हूं न्यूज वाले। इंश्योरेंस कंपनीज आज फोकस में, कोई एचडीएफसी लाइफ, कोई एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड वगैरह, क्योंकि इंश्योरेंस रेगुलेटर जो है इरडाई, इसने फॉरेन इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग एफपीआईज को मंजूरी दी है कि इंडियन इंश्योरेंस के प्रेफरेंशियल शेयर्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छी खबर स्पेस के लिए। सन फार्मास्यूटिकल्स कल खबरों में था, पिट रहा था, स्टॉक स्क्रीन्स पर आएगा। कल क्या हुआ था, हलोल फैसिलिटी के लिए इंपोर्ट अलर्ट जारी हुआ था। सन फार्मा ने कल शाम को बाजार बंद होने के बाद उस पर फॉलो अप दिया, क्लैरिफिकेशन की तरफ से आए कि एटलीस्ट इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए हम अपने रेवेन्यू गाइडेंस को रिवाइज नहीं कर रहे, हमारे स्पेशलिटी रेवेन्यूज पे कोई इंपैक्ट फिलहाल के लिए नहीं पड़ेगा, ये सब कहना है। लेकिन उसके बाद वो ये भी मेंशन कर रहे हैं कि हम इवैल्यूएट कर रहे हैं केस टू केस बेसिस पे प्रोडक्ट ट्रांसफर्स, इवैल्यूएट कर रहे हैं कितनी इंक्रीमेंटल कॉस्ट हमें झेलनी पड़ेगी। इस फाइनेंशियल ईयर पे इंपैक्ट नहीं, लेकिन इवैल्यूएशन चल रहा है, शायद FY24 पे इंपैक्ट, तो इसको ऐसे भी रीड करना जरूरी है, फिलहाल के लिए दिक्कत नहीं। त्रिवेणी इंजीनियरिंग कल लार्ज ट्रेड हुए थे, यतिन ने हेड्स अप दे रखा था लार्ज ट्रेड होने वाला है। प्रमोटर साहब ध्रुव मनमोहन चौनी 1.7 करोड़ शेयर्स बेचे हैं ₹280.75 पे। 1.7 करोड़ बिके, कुछ अंश किस किस ने खरीदा वो अपडेट्स का लार्ज ट्रेड में आए। सोसाइटी जनरल ने करीब 15.5 लाख, अनिल कुमार गोयल एक इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर 18 लाख शेयर्स, प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ऑलमोस्ट 40 लाख शेयर्स खरीदे गए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।